नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा पवार दिल की बात एनपी फिल्म्स का साथमा आप सभी को हार्दिक स्वागत कर दूं। दर्शकों, आज हमारे दगरचन लोक संगीत का शिखर पुरुष, जागर का सम्राट, श्रृंगार गीतों का नायक, ढोल सागर का प्रकांड मनीषी। जी हाँ दर्शकों, मैं बात कर लू छो हमारे जागर सम्राट श्री प्रीतम भरद्वाज जी की। तो चला उनकी दिल की बात उनकी जुबानी सुरदा। नमस्कार भरद्वाज जी, आप दुयो को हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। भरद्वाज जी, आप सबसे पहली हमसे अपना जन्म स्थान व माता पिता और शिक्षा का बारे में बताओ। मेरो जन्म जनपद देहरादून का एक सिल्ला गांव पट्टी भटवेड़ी में हुए। मेरी माता श्रीमती पूर्णा देवी, पिता स्वर्गीय श्री हेमदास भरद्वाज जी है ना। और मेरी आरंभिक शिक्षा अपना गांव में हुए, के बाद मैं मसूरी मीडियम पढ़ाई करें। आपकी जागर को शौक कन के आई? मेरो जन्म एक ये ना परिवार में हुए। जय परिवार में लोक सांस्कृतिक विरासत, लोक सांस्कृतिक धरोहर, जागर, पवाड़ा, लोकगीत, लोक विधान, अनुष्ठानिक जागर, आपका पौराणिक जागर, लौकिक जागर, एक घराना जो घराना सदियों बिटिन और कई वर्षों बिटिन जी परंपरा को संवाहक रहे हो, वह परिवार में जन्म लेना तो स्वाभाविक रूप से जब घर में या ना परिवार में जन्म हुए, क्योंकि जय परिवार में हमारा हमारा सुबह जब ढोल की आवाज या दुड़का की आवाज से या कई गीत की आवाज से हमारा कान कनोड़ों में प्रवेश हो जो सुबह, तो वह सामुख वह घर पर जरूर हमारे तो कोई बच्चा भी अगर रो तो बोलो तो आज सुबह सुर पर रो तो ये ना परिवार पर हंस दो बच्चा सुर पर, तो हमारे ये ना परिवार में जन्म हुए। तो ये वास्ता पढ़ाई का साथ साथ स्वाभाविक रूप से एक दिलचस्पी जागर का प्रति या वो लोक संस्कार का प्रति जो परिवार बिटिन मिले वो बचपन बिटिन रहे। अपन गायकी की शुरुआत कब व कनके करी और आपकी पहली गीत व रचना कुछ है? गायकी की शुरुआत तब मेरी शुरू बिटिन है जब मैं कभी 7 साल की मात्र आयु मगा अपना पिताजी का दगड़ में मैंने एक जागर में संगत करी गाँव में। तो आरंभिक दौर मेरे 7 साल की आयु बिटिन माने जैसे दो और बताऊं कि जब जब मेरा पिताजी और हमारे चाचा जी ताऊ जी जब गांव में कोई जागर या कोई अनुष्ठान जब बनता है तो वह समय पर मैं भी उधर में एक बाल चाहे गोदी में जो माँ का तब भी मैं गा नहीं रहता कुछ ना कुछ। और अगर सार्वजनिक रूप से बात करें जाओ तो 1987 में मैं आकाशवाणी बिटिन सबसे पहली बार अपने गायन को जीवन में शुरू करे। वह के बाद 1991 बिटिन फिर ऑडियो कैसेट्स के माध्यम से मैं दोबारा सामने आया और मैं सौभाग्य से कि वह के बाद आकाशवाणी दूरदर्शन बिटिन में ग्रेड ए आर्टिस्ट भी बने। पहले गीत वैष्णो देवी हमारे भगवती सुरकंडा कोई गीत गाए थो। वह के बाद आकाशवाणी माँ सबसे पहले एक पवाड़ो और एक जागर मैं प्रस्तुत करे जो मैं मान सकता हूँ कि वो मेरे जीवन काल को आरंभ हो गीतों का दौर में या जागर का दौर में, तो वह थे हम पहले मान सकता हूँ। आप थे हमारे दर्शक लोग जागर सम्राट बोलते, बहुत ज्यादा लोग आपका फैन छिन और जागर सुनी के बहुत खुश होंगे, पर बहुत कम लोग होला जो थे जागर का बारे में पता हो, तो हमारे दर्शकों थे आप जागर का बारे में कुछ बताओ। जागर मूल रूप से सैव परंपरा, क्योंकि हमारे का सीमान्या एक नमस्कार प्रणाम शब्द नहीं होता, सीमान्या होता, सीमान्या को मतलब होता शिवमानी। तो सैव परंपरा का अनुसार हमारे का देवी देवता होते हैं प्रसन्न करने की आवाहन विधि और उनको संगीतमय विधि का वास्ता जागर बोलते हैं जो आम ढोल दमों में प्रस्तुत करना। मूल रूप से जागर दो प्रकार का होता, लौकिक जागर और पौराणिक जागर। पुराणों पर आधारित अगर हम कहीं श्रीमद् भागवत की कथा को नरसिंह भगवान को कोई जागर लगा तो पौराणिक जागर माने गए। लोक का अनुसार अगर हम लोक को जागर लगवाला तो उसको लौकिक जागर माने गए। जागर का संवाहक हमारे का औजी समुदाय का लोग रहे, जागरी वंश का लोग रहे, जो न जागर ने सार्वजनिक रूप से एक अनुष्ठानिक रूप से मन्नाओं मां कौथिक मां घरों का भीतर अनुष्ठानिक रूप से
कई अनिष्टकारी शक्तियों थे शांत करने का वास्ता, कई को कहकर कोई दोष धाम न हो, जीवन कष्टकारी न हो, कोई अतृप्त आत्मा थे शांत करने का वास्ता, रिद्धि सिद्धि का वास्ता, सुख समृद्धि का वास्ता, यह परंपरा ढोल मा नाद परंपरा में जागर परंपरा औजी से प्रारंभ हुए और ये आदिकाल बिटिन चली मोड़ लगी। जागर मूल रूप से जागृत करनो मतलब आपकी आपका अवचेतन मगा जो एक यू नो तत्व समाहित छ जय तत्व में आपका भगवान विराजमान छ, आपको इष्ट देवता विराजमान छ, जे जो जे आपका सबकॉन्शियस में अवचेतन मगा जो आपकी छुपी मुद्रा छ वो थे उजागर करना का वास्ता जागर बोलन, आह्वान करना का वास्ता जागर बोलन। जागरी जब जागृत है गांधो तो वे मां वे देवता की बात वे देवता को प्रविष्ट वे का अंदर करोनो वे देवता की अनुभूति वे थे करोनी वे का बाद प्रचंड जब वे का वे की आत्मा थे बहुत अच्छी तरह से अनुभूति लेगे वे का पश्चात देवता प्रसन्न वे थे नाच लुभी एक प्रचंड समाधि एक नृत्य समाधि का रूप में जब पशुआ लोगों का सामने प्रस्तुत हो दो तब बोले थे संपूर्ण जागर बोलेगा। जागर सिर्फ इना कारण नहीं बोलता कि आपन जागर गए ली और आप हाँ जी आप जागरी बेगी, जो अनुष्ठानिक रूप से जागर ते ढोल दमो डोर थाली मा कर शब्द हो और यह गंधर्व परंपरा हमारा दास समुदाय में रहे हमारा औजे समुदाय में रहे, तो जो हमारा हजारों हजार वर्ष की या हमारी एक लौकिक संपदा, ये संपदा कोई साधारण संपदा नहीं है क्योंकि हमारे घर देवी देवताओं का दगड़ा वार्तालाप होता तीन वार्तालाप पशुआ का माध्यम से देवता का दगड़ा में वार्तालाप करने की क्षमता एक गंधर्व ज्ञान का जो भंडार छन औजी लोग जो ढोल मा ढोल सागर का विद्वान जो कि जो कि जो का हाथ में सरस्वती विराजमान छ कंठ में सरस्वती विराजमान छ जो का दिमाग में सरस्वती विराजमान छ, तो जागर की परंपरा जागर यूनिटिन शुरू है और संसार गर्भित भाषा में अगर हम बोलो तो जो विधा बहुत ही संक्षेप रूप में देवताओं की अनुभूति सार्वजनिक रूप से जनमानस तय करे सबको वे सुर वे ताल वे विधा थे जागर होता। रसना जी आपको भी हो हमारे जागर सम्राट तगड़ी कब है? हमारे शादी 1993 में हुई और हम पहले एक दूसरे को जान में था अरेंज मैरिज सरली बहुत ही ज्यादा हिट है जे और हमारे दर्शकों वो कैसे बहुत ज्यादा पसंद करी तो वे गीत की दुई लाइन हिमलिका डानो रंदोलु माल गड़ सुम्यारा कुमाऊं गड़े रंदी छई बांध सरली कुमेणा आहा सरली मिर्जिया लगी गे तेरी रौंदी मुखड़ी मा आ अक बक सिरे पहुंची तेरा कुमोंगड़े मा आ सरली मिर्जिया लगी गे तेरी रौंदी मुखड़ी मा आ अक बक सिरे आप आज जय मुकाम पर छन वे मुकाम पर पहुंचे कोई आसान बात नहीं छे, तो हमारे दर्शक और हम ये जान चाला कि आपन ये मुकाम तक पहुंचने तक कद परिस्थितियों को सामना करी। मेरा दगड़ा माँ मनीषा यह सबसे बढ़िया बात है कि मैंने अपने जीवन में कभी बहुत विकट परिस्थितियों को सामना नहीं करी। सौभाग्यवश मैं जन मैंने बताया कि मैं बहुत अच्छा संगीत मैं परिवार में मेरे जन्म हुए और संघर्ष का बगैर संघर्ष को मतलब मोदो
हर्ष संगमाच, संग हर्ष, क्योंकि बगैर संघर्ष का आप जीवन में कुछ कर नहीं सकता। अगर आप जीवन ते सार्थक बनाना चाहन तो कुदरत एक ने एक कोई नहीं विशेषता प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न दी रहे जो है का व्यक्ति में नहीं होती, क्योंकि हर आदमी की फिंगरप्रिंट अलग छ, हर आदमी में कोई ना कोई एक विशेषता चीज जो है का आदमी मानी चाहिए। तो मेरा संघर्ष की अगर आप कहानी पढ़ ला तो मैं शुरू की ही एक मात्र 16 साल की उम्र में मैं आकाशवाणी पहुंच गया, 17 साल में मैंने ऑडिशन कर ले, 18वें साल में मैं गान ले गया हूँ, उसके बाद कुछ चक्कर जरूर मैं दिल्ली के ऑडियो और जो एक कैसेट्स कंपनी होती है हमारे, पर कोई मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं कोई बहुत बहुत सारा लोग केवल सहानुभूति का वास्ता बोल सकते जी हमने तो बड़ा संघर्ष करे, हम उन करे साहब और हम लोग बड़ी गरीबी में पले, वो सब उस तरह की बातें जब नहीं है तो नहीं बोलनी चाहिए। भगवान की कृपा से परिवार माँ कभी भी हमारा वास्ता की वस्तु की कमी नहीं रही, हमारे पिताजी ने हमते कभी नहीं होने दी, बहुत अच्छा स्कूलों में हमते पढ़ाई लिखाई, और फिर धीरे 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 करके जब एक कैसेट निकल गए तो समाज जो आपको श्रोता बन गया, जो आप ते सुन दो, सुनने वालों श्रोता बहुत विद्वान हो, बहुत जानकार होते हैं श्रोता लोग, उनते आप अगर बहुत अच्छी चीज प्रस्तुत करना, सुर माने ईश्वर, सुर का संबंध ईश्वर से है, अगर मौलिक रूप से कोई प्रस्तुति प्रस्तुत होली बगैर कह की नकल करें, आप कोई प्रस्तुति प्रस्तुत होली बगैर असल और नकल में फर्क है, अगर आप अपनी प्रस्तुति से अपना स्वाभाविक अंदाज में प्रस्तुत करना, अपनी मेहनत के अनुसार बैठे तरासला कोई गीत आप अपना आप लिखला, अपना आप कुछ संगीत तैयार करला, वे गीत में लफ्ज आप अपना दिमाग से लिखला, आप ते आपको साहित्य अध्ययन बोलू आप ते, क्योंकि कलाकार समाज को आईना, समाज का अंदर जो कुछ घटित हों दो वे वो घटना मंगन कोई जो जो बहुत लोक मानस में चर्चाओं में जो घटना होते वही घटना ते कलाकार समसामयिक विषय का तौर पर अपना हक लिख दो। श्रृंगार रस पर कोई गीत लिख दो जब तो श्रृंगार अपना दिमाग से अगर कुछ लिख लो, और जो प्रकृति प्रदत्त गुण इंसान के अंदर छन जब वो गुण थे वो गुण थे धारण करके थे वे अपना नेचर का अनुरूप अपनी प्रकृति के अनुरूप जब जब कोई कलाकार कुछ लिखेगा या वो लोक को लोक संपदा की तरह प्रस्तुत करेगा तो निश्चित रूप से 100% वैथे समाज स्वीकार लो, श्रोता वर्ग वैथे अपना मन में बैठा लो, क्योंकि जब हम सहर्ष और सही बात सही तरह से कोई बात प्रस्तुत कर दो तो तब वह कसाने भी पसंद होते। जब अब मान लीजिए यू फागुन को मैंने जब फागुन को मैंने कभी भी आषाढ़ को मैंने तो नहीं वैसा हूँ, ये बैसाख को मैंने कभी मंगसिर को मैंने नहीं वैसा हूँ, बैसाख को मैंने बैसाख का महीना अगर मंगसिर के महीने की के जैसे बनने की चेष्टा करेगा उसके जैसे प्रयास करेगा तो वो ना तो बैसाख ही रहेगा ना वो मंगसीरी रहेगा। इसलिए जो आपकी प्रकृति है जो आपकी प्रदत्त प्रकृति भगवान ने आप जिस जिन गुणों से आपको नवाजा है जो गुण आपके अंदर विद्यमान है जो गुण आपका अंदर छन उन गुणों के अनुरूप आप काम करेंगे। मैं जब शुरू का दौर में जब कैसेट का वास्ता दिल्ली में गए हूँ तो वह समय इन दौर था कि हिंदी ताल पंजाबी म्यूजिशियन हिंदी ताल में ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक बजाऊं था, हमारी गढ़वाली ताल जो हमारा मूल रूप से ढोल से निकला ताल चला इतनियों को वास्ता कभी कोई दूर दूर तक वास्ता रहता। तो जब मैं गया तो मैंने कहा कि भाई मेरे के लिए एक बड़ी अजीब घटना भी हुई कि मेरे जब पहली कैसेट पड़े थे मेरा कोई चार गीत कटी है हर चीज मिले नहीं कंपनी में, तो मैंने सोची कि मैं जाकर गा लेता हूँ इन चार गीतों की पूर्ति करने के लिए। वह समय पर एक ऑडियो कैसेट्स बनता था, चार गीत एक साइड में चार गीत एक साइड में, तो मैंने जाकर गाया और वो ज्यादा हिट हो गए। उसके बाद उससे पहले तक भी मेरा ये था कि जब भी मैं गाता था तो मैं जाकर गाता था। तो जब मैं दिल्ली में रिकॉर्डिंग करने का वास्ता गया हूँ तो
तो मैंने अपना लोक अंदाज में जब गीत प्रस्तुत करें तो उन्होंने कहा जी आप कहर में खेमटे की बीक में गाओ जी, ये क्या है, ये तो नहीं बजा पाएंगे हम। तो मैंने उनको बोला, मैं ये अच्छी तरह से जानता था कि जो मेरा मौलिक स्वरूप है, जो मेरा नेचर है, अगर मैं इससे हटिक टाइप कोई काम कर लूं तो मुझे प्रसिद्धि नहीं मिलने वाली, लोगों को नहीं पसंद आने वाला। तो मैं सौभाग्य ये था कि मैं ढोल बजाऊं खुद और मेरा सिताल जो हमारा ढोल दमो भजन ढोलक उसका एक छोटा स्वरूप है। तो मैं त्यूमन ढोल ढोलक निकाले और अपड़ा बजाएगी बजावा। फिर उन बोले आ रही तू चलो एक काम करना कि कम से कम उतना नहीं तो थोड़ा बहुत मिल जुल ताल बजे देना। वह का बाद फिर क्रांति एक आए, तालों में क्रांति आए और फिर धीरे धीरे करके आज तो मैक्सिमम लड़के अब तो जितने भी गढ़वाली कुमाऊनी जो भी सिंगर छन अपना ताल बजाना। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उस तरह का जो ताल छन पहाड़ी ताल छन जो हमारा ये ढोल से तब्दील होकर के ढोलक में गए और जो हमारे बिल्कुल ठेठ मध्य पैटर्न माँ बेड़ा पैटर्न माँ जो हमारा पारंपरिक लोक ताल गांव घर में बजता था आज ऑडियो कैसेट्स में बजना चल रहा है। ये को मैं श्रेय हूँ तह दे जो लोग बेचारे जो यह परंपरा बहुत दीर्घकाल से संवाहित रखे और फिर अपना मौलिक स्वरूप के साथ जब मैं अपना गीत होते प्रस्तुत करने का वास्ता मैं पहुँचा दिल्ली में पहुँचा तो दिल्ली में जाने के बाद सब लोगों ने जो फॉलो करी मैं एक बात सौभाग्य की बात मान लो। और फिर कुछ समय तक एक समय तक जद्दोजहद जरूर करने पड़े मैं अपने तालों के बारे में। कुछ लोग फिर जो पंजाबी जो म्यूजिक का जो हिंदी हाथ है वो लोगों ने ही बाद में मेरा वास्ता बोले अरे प्रीतम भाई अब तो हम गढ़वाली भी बजा लेते हैं हमको बुलाया करो। तो ये जो एक चेंज आए ये माँ भगवती की कृपा जगदम्बा की कृपा और ये जागर का कारण संभव है। जागर क्योंकि जागर और लोकगीत मेरे दादाजी बहुत अच्छा गीतांग था मेरा चाचा जी था जो छन बहुत अच्छा गीतांग छन गीत जागर की अपेक्षा एक लाइट मानेगा। जागर की तो एक अलग भी था जागर की गायन शैली अलग होगी। जागर नाभि का बल पर गाए जा दो कंठ का निचला हिस्सा का बल पर गाए जा दो तालों का सुर लगाना पड़ता तो और गीत को अपन एक महत्व तो गीत और जागर जागरी वंश में लोकगीत और जागरी वंश में जन्म लेने का कारण से मेरा मन मस्तिष्क में जो बचपन बिटिन जो सुर जो ताल जो बोल जो पवाड़ों का लंबी लंबी रातों का पवाड़ा मेरा दिमाग में थया सो मूल रूप को प्रकृति मूल प्रकृति को अपने अंदर से मैंने कहीं मर्ज नहीं होने दिया। ये मेरे पितरों का आशीर्वाद है मेरे पर। मैं इन्फ्लुएंस नहीं हुआ किसी चीज को देख करके कि यार अरे यार वो कैसे कर रहा है नहीं मुझे लगा कि वो कर रहा है वो उसका नेचर है मैं जो करूंगा जो मेरा नेचर है मैं वो करूंगा। अपना नेचर का अनुरूप अगर प्रस्तुत कोई चीज प्रस्तुत करे तो श्रोता समुदाय ने उसको बहुत सराहा और मैं समझता हूं कि जितना प्यार और जितना आशीर्वाद मुझे श्रोता समुदाय का है दर्शक समुदाय का है ये मैं अपने ऊपर अपने पितरों की कृपा मानता हूँ। उन श्रोताओं को गर्वद्ध होकर के प्रणाम करता हूँ उन दोस्तों को नमस्कार करता हूँ वो दगड़े होते हैं बहुत दिली प्रणाम करता हूँ जो लोगों ने जीवन काल मेरा संघर्ष काल का दौरान मेरे वास्ता बोले कि भाई प्रीतम भाई आप बिल्कुल अपना नेचर से मत भटको आप और पकड़ी पकड़ी तक जागर लगाना रात की रात दौसी कांध में डाले हमारी सुबह तक हमारा जागर पौड़ा छंचाने लग गया। तो वे को कारण ये था कि मुझे उसके अतिरिक्त किसी और चीज में आनंद नहीं आता था। तो जो मैं वो मेरा मित्र छन मैं अगर कहीं एक मित्र को नौ ले लू कहीं एक को नहीं ले लू तो वह माँ फिर जाती बजाने लेकिन मेरा जो बहुत करीबी दगड़िया छन गजेंद्र नौटियाल जी हैं जितेंद्र कुमार हैं बहुत सारा दगड़े छन जो लोगों ने मेरे आरंभ काल में बहुत सहयोग दिए। मैं मसूरी में मेरा बहुत सारा पूरा एक से एक बड़े दगड़े छन पंकज भाई अनिल गोदयाल भाई हैं आपके मेरे दिल्ली का बहुत सारा मित्र छन सजिदानंद सेमवाल हैं बहुत सारे लोग हैं
जिनका मैं जो मेरे आरंभ काल के साथी हैं, जब मैं कभी 17 साल 16 साल का हुआ करता था, तब जो मुझको करते रहते नहीं पड़ता भाई आप इसे उगाओ, और गांव घरों में चौक खलिहान मगर रात की रात हम पहाड़ा चल लगे हमारे जागर चल लगे, तो वो उसको मैं संघर्ष नहीं मान सकता, उसको मैं हर्ष मानता हूँ, संघर्ष नहीं हर्ष, वो मेरे हर्ष का टाइम था, और उस हर्ष ने मुझे श्रोताओं और दर्शकों के दिलों में जगह दी है, उसके वे का वास्ता में दर्शक होते हैं। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आ रहा हूँ आपके। हमारे दर्शकों से आपसे इनकी प्यार और आशीर्वाद मिल दूर भरद्वाज जी। अब हमारे दर्शक है ये बतावा कि लोक गायक की उपाधि मिलन की आसान बात नहीं है, तो जदगा भी हमारे उत्तराखंड में गायक छिन, क्या वो लोक गायक छिन? मैं मनीषा कभी भी कई लोक गायक या कई भी गायक कई भी कलाकार के वास्ता मेरी कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती, मैं नेगेटिव कभी किसी के बारे में नहीं बोलता, सब कलाकार बढ़िया है। किसी को आपको किसने राइट दे दिया कि आप किसी कलाकार को ये बोल दें कि वो अच्छा है या नहीं है? लोग सब बढ़िया है, जिनको लोग सुन रहे हैं सराह रहे हैं वो सब बढ़िया है, ये जरूरी नहीं है कि जो आपको पसंद नहीं आ रहा है वो किसी दूसरे को भी ना है, जो कलाकार चल रहा है वो चल रहा है। लेकिन लोक गायन अपने आप में लोक को बहुत बड़ा महत्व है, लोक का अपने आप में बहुत बड़ा मायना होता है, हजारों हजार साल की सभ्यता जब पनपती है उसके बाद एक छोटी सी संस्कृति पैदा होती है, उस वही संस्कृति को रहन सहन वातावरण बोली भाषा चाल चलन भोजन खान पान वेशभूषा रहन सहन वातावरण लड़ाई झगड़े ये सब कुछ संस्कृति को बोलते हैं। गांव बजाने एक हिस्सा है, संस्कृति का एक हिस्सा है, लेकिन सांस्कृतिक सरोकार संस्कृति है प्रदर्शित करना, संस्कृति है समाज के अंदर प्रस्तुत करना, ये वास्ता सांस्कृतिक सरोकार होते हैं, संस्कृति को संवाहक भी बोलेगा। तो यो सब गतिविधि का वास्ता क्या बोलना, लोक, लोक शब्द अपने आप में कोई छोटा शब्द नहीं, लोक का प्रतिनिधित्व तो करने वालों गवैया ही लोक गायक कहे जा सकते, और कना लोग जितना भी कलाकार थे मेरे शब्द हैं शुभकामना भी चली भाई आप लोग करा अध्ययन करा और अपना बिल्कुल अच्छी तरह से काम करा, वे सब थोड़ा बहुत संगीत की शिक्षा भी हो और फिर प्रस्तुत वाता आपने समाज स्वीकार। हम सब जानेगा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक ढोल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी, तो आपका हिसाब से क्या ढोल को संरक्षण हो चाहिए? ढोल का संरक्षण से पहले ढोली को संरक्षण हो, मगर ढोली नहीं रहो तो ढोल का भाई वो बोलते हैं कि आप गाड़ी देना साफ सुथरा रखा पर ड्राइवर भी बीमार नहीं चलना है, अगर ढोली बच लू तो ढोल न लो, ढोली की स्थिति बहुत अच्छी रही, ढोल दें ढोली दें सम्मान मिल लो तो ढोली वे ढोल को सम्मान कर लो, ढोल जब तक रोजी रोटी से नहीं जुड़ लो कोई भी विधा शौकिया तौर पर दीर्घ समय तक जीवित नहीं रहती, जब तक वही विधा को रोजी रोटी से संबंध न हो, ढोल का वास्ता ढोलियों का वास्ता संस्कृति विभाग आकाशवाणी यूजकों विधिवत रूप से वैकेंसी बहाली के लिए, ढोली का लोग है जो ढोल सागर का विद्वान छ मूल रूप का मूल विद्वानों की बात करूँ कल जो कि हजारों हजार वर्ष की ढोल सागर और ढोली विधा आज तक जीवित जो के वंश खप गई हूँ काम में, अब बोल कोई चार अध्याय पढ़ लू कोई ढोल का और वे के बाद दुई एक बड़े बजोड़ से बोलते सो ढोली नहीं बोले जाते, लेकिन जो जो लोग हजार साल बैठे ढोली छ आप उनकी दशा सुधारा तो ढोल को संरक्षण पावा भी बोल, और ढोली का संरक्षण ढोली रहेगा तो ढोल बजेगा, ढोली को अगर संरक्षण बोलो तो ढोली रहो, जाकिर हुसैन की हालत बहुत बढ़िया तबला जिंदा, रवि शंकर प्रसाद की हालत बहुत बढ़िया चिंतन
बजा थी तो सितार है। बिस्मिल्लाह खान साहब की हालत बहुत बढ़िया रही तो सहना एक बची। अमजद अली जो संतूर वादक हैं उनकी हालत बढ़िया है तो संतूर है। आप ढोल को अब संस्कृति बच्चों का काम सिर्फ हुए कि नहीं चला कि सिर्फ भाई अब ढोली का बच्चा भी पढ़ फिर अच्छा स्कूल उनके लिए स्पेशल वो करा वो देवा उनको यथोचित सम्मान दो ढोल जरूर बच लो और इनका वास्ता सरकार ने भी काम करना चाहिए। रसना जी आप हमारा कलाकार दंपतियों थे क्या संदेश देने चाहिए? हाँ मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि एक पत्नी की बहुत अहम भूमिका होती है पति का कलाकार बनने में। यदि पत्नी को सहयोग न हो तो पत्नी का सहयोग का बिना एक अच्छा कलाकार नहीं बन सकते हर मामला में गृहस्थी हो बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो क्योंकि पति तो हर टाइम बहरी रहते ना कलाकार लोग तो पूरे घर समान हो मेरी पत्नी गृहिणी हो पत्नी तो ये वास्ता पत्नी को हर चीज़ में सहयोग देना। यदि पत्नी कहेगी ये नहीं कि नहीं भाई प्रोग्राम मानी जाए तो कन कन के घर चल कन के बच्चा पढ़ रहा कन पूरी हो एक पत्नी बहुत बड़ो हाथ हो मेरे पति का जीरो ना। आपन देशों विदेशों में हमारी लोक संस्कृति थे पहुंचाई और हमारे दर्शक को तो ये भी पता ची कि आप थे विजिटिंग प्रोफेसर का नाम से भी जाने जानु तो आप विदेश में हमारी विधा थे कन कह रहे हैं यहाँ के बारे में बता। ये बहुत अहम और बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 2004 में जब यह सदी बिल्कुल एकदम सहसव काल में थी वह समय पर सबसे पहले कई भी उत्तराखंडी कलाकार को कार्यक्रम ओमान में सबसे पहले आयोजित करे गए और वे कार्यक्रम में नरेंद्र सिंह नेगी जी और मैं और अनुराधा निराला थे सबसे पहले कोई भी कलाकार कई भी उत्तराखंडी कलाकार को सो पहलू कार्यक्रम था। वे के बाद फिर दुबई और खाड़ी का बहुत सारा देशों में फिर यूरोप में शुरू है फिर हंदू हंदू अमेरिका की सिनसिनेटी यूनिवर्सिटी में ढोल थे ले जाने को सौभाग्य मिले और वो के बहुत सारा छात्र हमारा ढोल और हमारे जागृत है जाने की कोशिश कर रहे। या बड़ी अहम बात चीज कि आज दुनिया का जितना देश जो जगह संगीत की बड़ी बड़ी अच्छी क्लास छन बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी छन वो लोग हिमालय का केदारखंड क्षेत्र का ढोल थे बड़ा महत्व देना ढोल सागर थे जागत है महत्व देना एक का लोक गीतों थे महत्व देना तो यो सौभाग्य मैं प्राप्त हुए कि कई भी कलाकार की जब पहली बार कोई विदेश में टीम गए तो वे समय पर सबसे पहली बार जाने को अवसर मिले और वे का बाद लगभग 24 से अधिक राष्ट्रों में मैं अपना जागर अपना लोकगीत और अपना लोक विधाओं तक प्रस्तुत करना को सौभाग्य मिले और ये अनवरत जारी रहो अभी हम लोग अब बहुत सारे देशों में फिर भी जो जा रहे हैं। जब तक आपने पूछी कि बोले थे भविष्य कम चाहिए लोक विधाओं को भविष्य बहुत अच्छा था लेकिन आप ये समझा कि नई पीढ़ी थे हम थे अपनी बात स्थानांतरित करना पड़ रही 21वीं सदी का आरंभिक दौर से अब ये जमाना में लगभग 80% से अधिक बच्चा अंग्रेजी माध्यम स्कूल शिक्षण पढ़ने लगे यानी कि जो बच्चा 2000 में पैदा हुए बोलो सो आज 18 वर्ष हुए गए और जो 5 साल पहले पैदा हुए बोलो जो अब वयस्क हुए गए वे बच्चा बहुत ज्यादा ढोल दमों ने सुनी बहुत ज्यादा अपना बाल्यकाल में सुनी तो वो बच्चे होते हैं अब जो मेला छन आयोजित होना या जो कौतिक छन वो बच्चा जब अपने मम्मियों का दगड़ में अपनी माँ जी अपना पिताजी का दगड़ में अपने एक कार्यक्रम को देखने के लिए आते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि देखो बेटा ये हमारे यहाँ की संस्कृति है ये एक अलग बात हुई और उस संस्कृति को उन्होंने जिया वो तो वो दूसरी बात हुई। संस्कृति का संदेश तो आप नॉर्वेजियन को भी दे सकते हैं ब्राजीलियन को दे सकते हैं कि दिस इज द पार्ट ये हमारी कल्चर एक्टिविटीज है लेकिन उन बच्चों को वो संस्कृति को महसूस कैसे करें वो कैसे करें वो उसका तरीका ये है कि सरकार
बोली भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल करें। जब जब बच्चे को ये महसूस होगा कि गढ़वाली में लिखने पर मुझे मेरे इंटरव्यू में मुझे 2 नंबर मिलने वाले हैं और अपनी लोक भाषा को अपने पाठ्यक्रमों में शामिल कराया जाएगा, लोक भाषा को लोक अस्मिता से जोड़ा जाएगा कि अगर भाषा नहीं तो फिर राज्य बनेगा। सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा करना भी राज्य का अलग होने का एक कारण है। सड़कें बन रही हैं हमारी, गांव गांव सड़कें पहुंच रही हैं, पेयजल पहुंच रहा है, बिजली पहुंच रही है। ये तो उत्तर प्रदेश के समय में भी था, वो तो तब भी हो रहा था, सड़कें तो बहुत सारी तब की हैं बहुत सारी। लेकिन अब सांस्कृतिक रूप से आजादी है हमारे पास कि नहीं, तो सांस्कृतिक आजादी तब होगी कि जब हमारा बच्चा गढ़वाली कुमावनी माँ भी जौनसारी माँ भी अपने किताबों में पढ़ो। लिपि हमारी देवनागरी रहो, लिपि माँ कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान की बहुत सारा भाषा ही नीचे कि जो कि लिपि देवनागरी है। लेकिन पाठ्यक्रम में लगो, आप देखा कि पाठ्यक्रम में जब लग लो घर में लड़का की माँ अपना लड़का लड़की गढ़वाले में बात कर ली, अपनी भाषा में बात कर ली, तो बच्चा सुन लो। अपना लोक जो हमारा कार्यक्रम छन, हमारा वैवाहिक कार्यक्रम छन, चूड़ाकर्म का कार्यक्रम छन, जो इस तरह का कार्यक्रम होना, यू कार्यक्रम मांगला हमारा लोक कलाकार आओ, लोक पारंपरिक विधियों से विवाह आओ, तब बच्चा उधर सुन ला। तो जो आरंभिक चूड़ाकर्म का दिन जन्म जय बच्चा की मुंडन संस्कार हो रो, वेदिन अगर सो बच्चा एक 3 साल को बच्चा या 5 साल को बच्चा ढोल सुन रहा बड़ा कमर पर, तो वे 25 साल होने के बाद जिसको ढोल याद हो, अरे यार आई मेरे मुंडन में बजा था ये, और केवल केवल कुछ समय खातर आप लोग मंच में बैठे देख लो, वैसे काम नहीं चलता। तो संस्कृति अगर आप सही मायने में गंभीर हैं, चाहे वो सरकार हो चाहे कोई हो, तो उसको संस्कृति को सिर्फ जोड़ना नहीं बल्कि भोगना पड़ेगा, उसको जियो आप। ठीक है आप भाई हम कमा दो, आपको पढ़ाई लिखाई जरूरी है, आप ठीक है अंग्रेजी भी पढ़ कर अपना आप जरूरत होगी आप सब कुछ करो, लेकिन आपकी एक भाषा, आपकी भाषा पंजाब के स्कूलों में पंजाबी जरूरी है, मराठा में सरकारी स्कूलों में की तो आप बात छोड़ो, सरकारी स्कूल में तो खैर मराठी के बगैर मतलब नहीं है, कॉन्वेंट स्कूल में भाषा आपकी मराठी पढ़ानी पड़ेगी। आप जी मुंबई वाली बात है, उनका अपना स्वाभिमान है, तो यू स्वाभिमान जब तक हमारे नहीं जगड़ो तब तक संस्कृति की बात पर बात करनी बड़ी बेमानी वाली। और पलायन एक बहुत बड़ो रोग, पलायन खातर काम करना पड़ो कि लोग गांव घर में रहो, छोटा छोटा उद्योग स्थापित हो। सांस्कृतिक अस्मिता तब अक्षुण्य रही जब सांस्कृतिक सरोकारों से हम नई पीढ़ी से जोड़ ला, वरना बहुत मुश्किल। रसना जी आपन भरतवार जी का मुख से पहलू गीत को सुनी, रेडियो का माध्यम से सुन रहे सर गीत को जो ध्यान और लगे, तो ये आपको मनपसंद को गीत भादो का महीना देखी दुई लाइन भादो का महीना दुबड़ी को ते मारे आलू बेटी वार्योक रे बार लालू घुट घुट बड़ू लगी चा मैं त्यों पूरे मारे आयू चा भादों का मेना दुबड़ी पाती कुत्ते मारे बारे मासी काम धन्यों ने छुटिए दू बर सुतलक कभी मतनी जाए दू
मैं ना दू एक मैं तेरा लो, मैं ना दू एक मैं तेरा लो, मन माउलारे आयूं जा घुट घुट बाडू लगी जा मैं त्यों को रे बारे आयूं जा। भरतवाण जी, आप अपना जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ो अवार्ड क्या मार दे और हमारा और वाली पीड़ित है, आप क्या संदेश देना चाहना श्रोताओं का हृदय मां, दर्शकों का हृदय मां समाहित होनो? विश्व नहीं बल्कि ब्रह्मांड को सबसे बड़ो अवार्ड, और अगर आप उनके का हृदय मां स्थान बना ले, आप कई काम का वजह से आम जनमानस जो आप ते सुन दो, वह जो मेरा गीत जागर लोकगीत, मेरी समसामायिक रचनाएं, मेरी श्रृंगार प्रदान रचनाएं जो लोगों का दिलों में छन। एक माता जी एक समय बूढ़ा केदार है, एक थे मंच में मैं थे 20 रुपये दे दें, मेरे नोट आज भी संभाल दीजिए, मेरा वास्ता वैसी बड़ो कोई अवार्ड नहीं था। गाँव घरों में कोई दाना बुढ़ा जी आएगिन, कोई दानी माता जी पहुँच गई, कोई बूढ़ी माता जी मुंड मलास दे मेरो और मेरा माथा थे चूम दे, यो मेरा वास्ता सबसे बड़ो अवार्ड, इससे बड़ो कोई अवार्ड नहीं। तो जनमानस का हृदय में जगह बनोनी और यो इससे बड़ो कोई अवार्ड नहीं होंदो, यो सबसे बड़ो अवार्ड होंदो कि श्रोता समुदाय का हृदय में आपको एक स्थान प्रिय स्थान है। और आप तो देखेगी जब मैसे नहीं मेरा श्रोता मिल जान, कोई माँ बहनी मिल दें, कोई दगड़े मिल जान, और जब उनकी बहु खिल जाते, उनका चेहरा में एक बहुत मुस्कान होते और एक आत्मीय भाव उमड़ दो, तो मन गदगद हो जाए, लग दो कि हम तो विश्व की ब्रह्मांड की अपूत संपदा मिल गई, सबसे बड़ा अवार्ड मिल गया। रही बात नया लोग थे और नया बुला बुलों थे जो भी काम छन करने लगे हैं इस क्षेत्र में, वो संदेश देने की यही संदेश दे लो कि बुलाओ आप अच्छा काम करा, आप अपना आप अपनो मूल्यांक समाज मूल्यांकन कर लो आपका काम को, देर में ही सही लेकिन आपका काम को मूल्यांकन कर लो। आप कई प्रसिद्धि पाने का वास्ता आप शॉर्टकट न जावा, आप थोड़ा सा अगर आप लंबी दूरी तय करे करना के बाद मंजिल पर जाला, तो मंजिल तय भी आपका वो पहुँचने को एहसास बोलो और आप तय भी वो पहुँचने को एहसास बोलो, क्योंकि हमेशा सस्ती लोकप्रियता पाने का वास्ता जब प्रयत्न बनन तो बहुत जल्दी समाज हुई लोकप्रियता थे, तत्कालिक रूप से मिली प्रसिद्धि तात्कालिक रूप से खारिज भी करे जाते, ये वास्ता आप बहुत लंबू काम करा, एक काम करा ले आप हाथ में हाथ न धरा, फिर दोबारा और काम करा, आप उस बड़ा कलाकारों की या साहित्यविदों की बुद्धिजीवियों की कदर करा, उमन कुछ सीखा और हमेशा श्रोता समुदाय को सम्मान अपना हृदय में रखा। एक सबसे बड़ी बात है कि हमेशा सदैव आप इन माने चला कि अखिल ब्रह्मांड नायक श्री हरि भगवती जगदम्बा भगवान सत्यदेव कोई एक सर्वोच्च सत्ता जैका वजह से ये 7 द्वीप छन, अखंड ब्रह्मांड छ, ये तो चलो दारा हम और आप नहीं छो बल्कि कोई एक शक्ति छ, वही शक्ति का अधीन रहवा, अहंकार कभी सुबिना मामे मन मनाओ और प्रत्येक व्यक्ति उनकी भावनाओं को सम्मान हो। अगर आपकी कोई कभी कई विषय पर तारीफ का बजाय आलोचना भी चकने लगी हो तो वही आलोचना सुनने को साहस भी अपना अंदर रखा और सोचा कि अगर मेरा बारे में ये न बोले गए तो की बोले नहीं बोलो, आप विश्लेषण करा चिंतन करा, जब आपका अंदर ये सारी गुण भर जाला तब समझा कि आप सही दिशा में काम छन करने लगे। संगीत को आरंभिक ज्ञान ले आवा, सुना अपने अपना बारा में अपनी खुद आत्मविश्लेषण करा कि मैं क्या चौंकन लगी हूँ क्या करूँ चाहे दो और अपना काम तो बखूबी करा और बिल्कुल मेरे सब लोगों ने बहुत बहुत शुभकामनाएं और तमाम ये चैनल का माध्यम से जो लोग भी ये इंटरव्यू छन देख लगा सब तक नमस्कार भी प्रणाम भी और शुभकामना भी कि आप सब लोग अपने लोग सांस्कृतिक विधाओं से जुड़ा अपना बाल बच्चों तक अपनी भाषा में बात करा और जब हम अपनी भाषा में बात करूँ तो स्वाभाविक रूप से चूँकि हम लोग कखी न कखी अपना पूर्वजों को सम्मान कर दो, अंग्रेजी भाषा तो हम दिमाग से बोल दूँ, हिंदी भाषा हमारा गला बिटी निकल दे और हमारी मातृभाषा हमारी दूध बोली
हमारा हृदय विदित निकल दे तो मैं ये बोलूं चलो पसंद है। अंत में आपको कोई एक जागर की दुई लाइन हमारे दर्शकों का वास्ता? मैं भगवती सुरकंडा को दास छो सेवक छो मैं भगवती जगदम्बा की दुई लाइन। जय जगत बंदनी भगवती नारायणी इष्ट देवी मां माई त्रिलोक तारिणी भवानी जगदम्बा वेली माता नरो की नारिणी दुरु की धावड़ी लोलो लोल माता अंगोठियो गाजरे तू तो वेली ज्वाला मेरी रिद्धि सिद्धि दायिनी रसूलों का छेला दे ज्वाला तूने रुका बीच मेरी माता तू ये लोलू ज्वाला अयेरी बाडुली अयेरी बाडुली लोलो माँ पयेरी पराज मेरी ज्वाला भगवती राज राजेश्वरी इष्ट देवी माँ माई त्रिलोक तारिणी रिद्धि सिद्धि दायिनी ज्वाला भगवती जगत बंदनी नारायणी भगवती सुरकंडासुरी जगत बंदनी नारायणी। भरतवान जी और रसना जी आप दुयो को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपन अपनो ईद का अमूल्य समय हमते और हमारे दर्शकों ते दी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों ने। आप जो भी इंटरव्यू देखना चाहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना अच्छा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। दर्शकों ये छे हमारी एक मुलाकात उत्तराखंड का जागर सम्राट श्री प्रीतम भरतवार जी से। अग्नि यन्नी आपकी मुलाकात नई हस्तियों से करौला हर रविवार दोपहर 3 बजे एनपी फिल्म्स पर। हमारा चैनल थे लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना भूलें और दर्शकों अपनी राय कमेंट में जरूर दें कि आपते हमारी कार्यक्रम कन लगी। धन्यवाद। जय उत्तराखंड।